मैं महाराष्ट्र से आती हूँ, महाराष्ट्र में उन्होंने 1500 रुपए देने का वादा किया बहनों का। मैं नरेंद्र मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से सवाल करती हूँ, क्या महाराष्ट्र की महिलाओं की, हमारी बहनों की इज्जत का आपने दाम लगाया 1500 रुपए? वो 3 साल की बच्चियों के साथ रेप हुआ है, 3 साल की बच्चियों के साथ रेप हुआ है, क्या आप उनको उनकी इज्जत वापस ला सकते हैं? जो महिलाओं की इज्जत गई है, क्या आप वो 1500 से ला सकते हैं? हमें 1500 नहीं चाहिए, हमें महिला सुरक्षा चाहिए, महिला आरक्षण चाहिए और महिलाओं को महंगाई से मुक्ति चाहिए। इलेक्शंस की जो घबराहट है और जो दिख रहा है कि बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पे आ चुकी है महाराष्ट्र में, ये उसी के लिए माफ़ी मांगी है। जैसे कि जब किसान आंदोलन कर रहे थे तब एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया, 750 किसानों ने देश मतलब शहीद हो गए, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जिसका सीना 56 इंच का है वो 7.5 शब्द संवेदना के नहीं बोले, नहीं बोले, नहीं किसान आंदोलन पे भी नहीं बोले, मणिपुर पे भी, लेकिन कब बोले? जब चुनाव नजदीक है तब बोले। तो ये चुनाव की घबराहट है। छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र में जो एक नाम है, जो एक सिक्का है, हम सब जो जिनको लेकर के चलते हैं, नरेंद्र मोदी ने और पूरी बीजेपी सरकार ने उसको आहत करने का काम और उसकी बेइज्जती करने का काम और उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। महाराष्ट्र इसका बदला जरूर लेगा और चुनाव में ये दिखा देगा कि नरेंद्र मोदी जी और उनके जो कॉन्ट्रैक्टर थे, कि जो एक खोखला और करप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि 6 और 7 महीने के अंदर वो जो एक मूर्ति खड़ी की थी वो खंडित हो